हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चे इस क्वेश्चन में आपको मोड गिवन है 38, एक्स फाइंड करना है, क्लास इंटरवल्स गिवन है और ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है अलग अलग, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 से लिया गया है। इस क्वेश्चन को करना कैसे है देखिए बच्चे, जब आप मोड वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें सिंपली आपको मोड की वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसमें आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है उसमें सबसे बड़ा नंबर पहले तो चेक करते हैं आप, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे बड़ा नंबर जो होता है उसके सामने वाली क्लास इंटरवल होती है मॉडल क्लास, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है उसके सबसे बड़ा नंबर की जो सामने वाली क्लास इंटरवल होती है उसको बोला जाता है मॉडल क्लास। उस मॉडल क्लास से ही क्वेश्चन आपका आगे सॉल्व हो पाता है, ठीक है। ये तो बात हुई सिंपल क्वेश्चन की जिसमें आपको मोड फाइंड करना होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में मॉडल क्लास कैसे फाइंड की जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले चेक कीजिए मोड की वैल्यू कितनी है। आप बोलोगे सर 38, तो 38 चेक कीजिए कौन से क्लास इंटरवल के अंदर आ रहा है। बच्चे 38 आ रहा है 30-40 के बीच में, इट मींस हमें मॉडल क्लास मिल गई 30-40। तो मॉडल क्लास मिलते ही हमारा क्वेश्चन समझ लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज को। जीरो टू टेन, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 एंड 60-70। फ्रीक्वेंसी को मैं शॉर्ट में एफ लिख रहा हूं, 7, 9, 12, 16, एक्स 6 एंड 11। बात हो रही थी मॉडल क्लास की, इसमें आपको मोड की वैल्यू गिवन है 38, तो हम चेक करेंगे 38 कौन से क्लास इंटरवल के अंदर लाया कर रहा है। 38 लाया कर रहा है बच्चे इसमें 30-40 में, इट मींस मॉडल क्लास हो गई थर्टी टू फोर्टी, ठीक है। नाउ बच्चे मॉडल क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 से डिनोट किया जाता है, उससे ऊपर वाली F0 और F1 से नीचे वाली F2, ठीक है। अब मोड के अंदर एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला पहले नोट कर लेते हैं फिर चेक करते हैं उसमें क्या क्या हमें फाइंड करना होता है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 -F2 इंटू में H, ठीक है। अब इसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं L, F1, F0 इन सबको पहले नोट कर लेते हैं। देखो L क्या होता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, तो यहां पे लिख लेते हैं L = 30, F1 16, F0 12 और ये F2 x। अब बचा H क्या होगा, क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास। क्लास साइज कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मींस 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10, ये हो गया H, ठीक है। L की वैल्यू है 30, F1 है 16, F0 है 12, 2 into F1, तो 2 into 16 कितना हो जाएगा 32, F0 है 12, F2 है X और H की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। बच्चे में मोड भी गिवन है 38, तो यहां पे 38 पुट करेंगे, 30 यहां पर आके माइनस हो जाएगा 38 में से, बचेगा 8, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4 अपॉन 32 माइनस 12 होता है 20 माइनस एक्स, इंटू में 10 था ना न्यूमिरेटर में, तो ये 40 हो जाएगा, 4 into 10 40, ठीक है। अब देखो 8 वन जा 8
एट फाइव ज 40, 20 माइनस एक्स को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 1 के पास लेकर आओ, तो ये सेम ही तो आएगा। 20 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करोगे सेम ही रहेगा, 20 माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स इक्वल टू, ये 20 वहां जाके 5 में से हो जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15, एक्स से एक्स सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल और यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 15। ओके okay?